आज हम करेंगे चैप्टर नाइन मेडिवल पीरियड तो हिस्ट्री इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स द एशियन द मेडिवल एंड द मॉडल जो हिस्ट्री है हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मेनली एशियट एशियन पीरियड का मतलब जो पुराना समय था बहुत ज़्यादा और मेडिवल पीरियड यानी कि बीच का समय और मॉडर्न पीरियड यानी कि नया समय ठीक है तो हिस्ट्री को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एशियन पीरियड हो गया मेडिवल uh, पीरियड और मॉडर्न पीरियड इन क्लास सिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एशियन हिस्ट्री द पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू सेवेंथ सेंचुरी और क्लास सिक्स में हमने पढ़ा है एशियन पीरियड के बारे में पढ़ा है एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है जिसका टाइम कब से शुरू होता है अभी प्री हिस्टोरिक टाइम यानी कि बहुत पुराने समय से लेकर सेवन्थ सेंचुरी तक का जो टाइम माना जाता है उसको हम एशंट हिस्ट्री बोलते हैं इन क्लास सेवंथ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड और हम क्लास सेवन्थ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में थी और पूरे वर्ल्ड में जो मेडिवल पीरियड है उसके बारे में हम सेवन क्लास में यही स्टडी करेंगे इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम फिफ्थ टू फिफ्टीन सेंचुरी सी ई इज़ नॉन एज़ मेडिवल पीरियड यूरोप में मेडिवल पीरियड को माना जाता है फिफ्थ सेंचुरी से लेके कर फिफ्टीन सेंचुरी के बीच में मेडिवल पीरियड को माना जाता है और इंडिया में इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम ए एट्थ टू एटीनथ सेंचुरी सी ई मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक मानी जाती है एट्थ सेंचुरी टू एटीन सेंचुरी तक हम कहेंगे ये मेडिवल पीरियड है इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेज टुक प्लेस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप अमेरिका एंड एशिया इस पीरियड में जो मेडिवल पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंजेस आए थे सोशल चेंज आए थे इकोनॉमिक चेंज आए थे पॉलिटिकल चेंज आए थे यूरोप में अमेरिका में और एशिया में दो इन द एशियन पीरियड इंडियन कल्चर हैड रिमेन अलूफ फ्राम द Outside world during the medieval period, Indian culture was highly influenced by changes that took place in other countries. जो हमारा जो इंडिया में जो एशियंट पीरियड था हिस्ट्री का यानी कि पुराना जो समय था उसमें जो हमारा कल्चर था इंडियन कल्चर वो क्या था पूरी दुनिया से एक तरह से कह सकते हैं उस पर कोई पूरी आ, बाहर की दुनिया का कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा एकदम से हमारा कल्चर अलग था पूरी दुनिया से मगर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मेडिवल पीरियड में क्या हुआ अब हमारे देश में विदेशी आक्रमण होने लगे विदेशी आने लगे उसके कारण हमारा जो मेडिवल पीरियड था इंडिया का वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुआ और मतलब जो विदेशी आक्रमणों के कारण उसमें बहुत सारे क्या हुए भाई प्रभाव पड़े बहुत सारे परिवर्तन आए चेंज आए और डेथ टुक प्लेस इन अदर कंट्री जो भी दूसरी कंट्रीज़ में जो भी चेंजेस आए उसके कारण हमारे जो देश में भी क्या आए भाई कई तरह के कल्चर में चेंजेस uh, आए हमारे कल्चर पे प्रभाव पड़ा जब विदेशी आक्रमण हुए हमारे देश पे और जो विदेशियों का हमारे देश पे कब्जा होने लगा तो उसके कारण हमारे देश में कल्चर uh, प्रभावित हुआ दीज इंफ्लुंसिस आर एविडेंट इन द कल्चर Administration, economy, language, and religious beliefs of the people even today. और ये जितने भी जितने भी चेंजेस आए इसका सबूत क्या है कौन से एविडेंट है कि हमारे जो कल्चर में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग प्रकार से था और जब बाहर के जो लोग आए तो उनका अलग तरह से था हमारे जो इकोनॉमी है उस पर भी प्रभाव पड़ा हमारी जो लैंग्वेज है उस पर भी प्रभाव पड़ा हमारी लैंग्वेज भी अब कुछ नई लैंग्वेज भी हमारे इंडिया में जाने लगी और जो भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स थे वो भी अब थोड़े चेंज होने लगे आ, पीपल इवन टुडे आज भी इसका प्रभाव हम देख सकते हैं देखो पहले हमारे देश में आ, क्या लगभग आप कह सकते हैं हिंदुइज़ ज़्यादा रहते थे मगर फिर जब बाद में आक्रमण हुआ बाहर से तो मुस्लिम लोग भी हमारे देश में आए वो अपनी भाषा लेकर आए ठीक है इससे आज भी हमें पता लगता है कि हमारे आ, आ, आज के समय भी अगर हम देखें तो ये सारे चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं आगे है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अब uh, इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता लगा मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली कहाँ से हमें सोर्स मिला उसके बारे में हम पढ़ेंगे द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो मेन हमें पता लगा मेडिवल पीरियड के बारे में वो हमें पता लगा लिटरेचर से जितनी भी उस समय में पुस्तकें लिखी गई किताबें वगैरह लिखी गई या ट्रेवल अकाउंट वगैरह लिखे गए उससे हमें पता लगा उस मतलब उस समय के बारे में मेडिवल पीरियड के बारे में या फिर आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो भी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग सॉरी जो भी खुदाई के द्वारा जो भी चीज़ें मिली उनसे हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता लगा द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन समित्री, uh, समृतरीज समरि, uh, एट्सेट्रा uh, अब क्या है भाई जो लिटरेचर ऑफ़ दिस पीरियड और इस जो पीरियड का जो इस समय का जो मेडिवल पीरियड का जो लिटरेचर था यानी कि जो लेखन था यानी कि जो किताबें वगैरह थी वो रिलीजियस वर्क था अधिकतर यानी कि धर्म के बारे में थी या फिर वो आ, कमेंट्रीज थी जैसे कि आ, पुरान कह लो स्मृतिज़ कह लो उनके बारे उससे हमें इस उन समय के बारे में पता लगा वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड मिल्ट्री of that period from non-religious work on medicine astronomy drama stories and other literature or हमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशन कैसी थी इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली जो भी नॉन रिलीजियस बुक लिखी गई धर्म को छोड़कर जो दूसरे बुक्स वगैरह लिखी गई जैसे कि मेडिसिन पे एस्ट्रोनोमी पे ड्राम पे स्टोरीज़ या दूसरा कोई लिटरेचर था दूसरा जो पुस्तकें वगैरह लिखी गई उससे हमें उस समय के बारे में पता लगा था ऑटोबायोग्राफीज़ ऑर्डर ऑफ द रूलर्स एंड द लेटर रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड जो भी ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो भी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है जो जो कोई भी अपने जीवन के बारे में किताब लिखता है खुद के जीवन के बारे में उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या ऑर्डर ऑफ रूलर जो भी उस समय के राजा थे रूलर्स थे उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए थे ठीक है लिखित में या लेटर लिखे थे लेटर रिटर्न ड्यूरिंग डैट पीरियड जो भी लेटर वगैरह लिखे थे उससे हमें ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मेडिकल पीरियड उस समय के जो लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में हमें पता लगता है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया है इसने पृथ्वीराज रासो रिटर्न बाय चंद बरदाई थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान अब चंद्र बरदाई उसने लिखी थी एक पुस्तक पृथ्वीराज रासो उसने पुस्तक लिखी थी और लेखक का नाम है चंद्र बरदाई तो इस पुस्तक से हमें पता लगता है कि उस समय जो नॉर्थ इंडिया था Uh, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था दिल्ली पे जो राज था नॉर्थ इंडिया में जो उसका राज्य था उस उस पुस्तक को पढ़कर हमें पता लगता है कि उस समय वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था और वो वहाँ का राजकाज कैसा था मुस्लिम रूलर्स एनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने भी वो भी क्या लिखवाते थे भाई हिस्टोरिकल आ, हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखवाते थे कि भाई वो मतलब पुस्तकें वगैरह लिखवाते थे या जो भी आप कह सकते हैं कि उस समय जो भी घटनाएं होती थी उसका ब्यौरा वो लिखवाते थे द वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहक़ीक हिंद अलबरूनी अब अलबरूनी राइटर का नाम है उन्होंने उस समय एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम है तहकीक हिंद आईने अकबरी और, और बायोग्राफी ऑफ अकबर अकबर के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है आये अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी विच वर रिटन मेली इन परशियन जो पर्शियन भाषा में जिसको हम हिंदी में फारसी भाषा कहते हैं उस भाषा में लिखी गई थी द ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरन विजिटर लाइक इबन बदूता मार्कोपोलो बर्नियर आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम और जो ट्रैवल अकाउंट ट्रैवल अकाउंट का मतलब जैसे किसी देश में कोई यात्री घूमने आए तो उसके बारे में अगर वो लिखे ठीक है तो उसको ट्रैवल अकाउंट बोलेंगे तो हमारे देश में भी कई बाहर से आप कह सकते हैं लेखक या यात्री घूमने आए थे ठीक है देखने आए थे हमारे देश के बारे में हमारे देश के कल्चर को देखने आए थे तो उनमें से कुछ थे इबन बदूता मार्कोपोलो बर्नियर उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा है तो इससे ये भी उस समय के अगर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है पता लगाना है कि मेडिवल पीरियड में क्या होता था तो ये पुस्तकें पढ़कर हम आसानी से पता लगा सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द पॉपुलरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर विच एनकरेज द राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स अब उस समय क्या अचीवमेंट हुई क्या मेन खोज हुई जिसके कारण जो मतलब उस समय के बारे में राइटिंग ज़्यादा हो गई या ज़्यादा पुस्तकें लिखी जाने लगी तो उस समय हुई थी भाई पेपर की खोज कागज की खोज हुई थी कागज़ की खोज के कारण क्या हुआ था भाई अब विच एनकरेज द राइटिंग ऑफ ऑफ रिकॉर्ड उस समय फिर राइटिंग ज़्यादा लेखन होने लगा रिकॉर्ड रखे जाने लगे रूलर्स टेम्पल्स And uh, monasteries collected these manuscripts, which are major sources of information about this period. और जो भी जो भी रूलर्स होते थे शासक होते थे या टेंपल्स में या फिर मोनेस्ट्रीज मोनेस्ट्रीज यानी कि जो बुद्ध धर्म के आप मंदिर कह सकते हैं मठ कह सकते हैं उनमें इन मैनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया जाता था कोलेक्ट मैनुस्क्रिप्ट यानी कि जो हाथ से लिखे गए जो जो भी पत्र वगैरह या पुस्तकें वगैरह होती थी उसको इकट्ठा किया जाता था और मेजर सोर्सेज ऑफ़ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड और यही जो है यही जो पुस्तकें वगैरह हैं या ट्रैवल अकाउंट वगैरह हैं यही हमारे मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उस टाइम के अगर उस टाइम का पता लगाना है हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ डैट पीरियड एग्जिस्ट इन वराइटी ऑफ लैंग्वेजेज़ और जितने भी हिस्टोरिक रिकॉर्ड हैं जितने भी पुराने समय के हिस्ट्री के रिकॉर्ड हैं वो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरग्रॉन वेरियस चेंजेस इन ग्रैमर वोक्यूबलरी एंड मीनिंग और इंटरप्रेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और समय जैसे जैसे बीतता गया उसके अनुसार इन इनकी ग्रामर में जो पुरानी भाषा थी उसकी ग्रामर में चेंज आते गए शब्दावली में चेंज आते गए और जो वर्ड्स थे पुराने उसके जो समझने में चेंज आते गए उसका मीनिंग अलग तरह से निक, आ, निकलने लगा फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान इज रेफर्ड बाय सम पीपल एज ए प्लेस वेयर हिंदूज लिव एक एग्ज़ाम्पल दिया है जैसे कि एक वर्ड है हिंदुस्तान इसको इस वर्ड को ऐसे समझा जाता था कि भाई हिंदुस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू रहते हैं बट टुडे मैनी पीपल टेक एन एक्सप्रप एक्सेप्शन टू द वर्ड डेट वान टू रेफर टू इट्स एज इंडिया ओनली और अब इस शब्द को ऐसे समझा जाता है कि भाई ये शब्द क्या है इंडिया के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है कि भाई हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया और हमारे जो संविधान के अनुसार भी हमारा जो देश है उसको इंडिया कहते हैं या फिर भारत कहते हैं हैंज टर्म्स डेट आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्सट द डिफरेंट टाइम टेक इन टू अकाउंट द कल्चर सोशल एंड पोलिटिकल कंडीशन इस प्रकार जो भी हम टर्म है जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते थे वो समय के अनुसार यूज़ करते थे और उनका जो अर्थ है वो कल्चर सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के अनुसार बदलता चला गया दो मैनोस्क्रिप्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन येट द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक्स देयर जॉब क्वाइट टफ अब जो भी मैनुस्क्रिप्ट मैनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी हाथ से लिखी गई जो भी कागज़ पे लिखी गई जो चीज़ें होती थी पत्र वगैरह होते थे किताबें होती थी उसको हम मैनुस्क्रिप्ट कह सकते हैं पहले हाथ से लिखते थे मशीनों से तो लिखते नहीं थे पहले हाथ से लिखा जाता था उसी को हम मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं इससे हमें हिस्टोरियन को जो इतिहासकारों को कई इंफॉर्मेशन मिली हैं मगर इस पीरियड में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई थी जिसके कारण अब क्या हो गया भाई इसको मतलब इस पीरियड के बारे में जानना बड़ा एक तरह से टफ जॉब हो गई है मुश्किल काम है द मोमेंट ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वीविंग फूड एट्सट्रा अब लोग ऑपरचुनिटी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और इससे जो एक्सचेंज ऑफ आइडिया यानी कि एक दूसरे को वो अपने विचार दे सकते थे एक दूसरे से चीज़ें सीख सकते थे इससे एग्रीकल्चर में वीविंग में और फूड में ठीक है खेती बाड़ी में कपड़ा वगैरह बुनने में या खाना वगैरह में एक दूसरे के आइडिया idea को आइडियाज़ का आदान प्रदान हुआ यानी कि आदमी ने एक दूसरे से सीखा इस काल में मैं रैंक्स एंड डिफ्रेंशिएशन एमर्ज इन सोसाइटी और सोसाइटी भी कई रैंक्स में बट गई ठीक है अलग अलग वर्गों में सोसाइटी बट गई दिस दिस वाज़ आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक द पर्शियन व्हील स्पिनिंग व्हील एक्सेट्रा और इस काल में इस समय में कई इन्वेंशन uh, भी हुई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुई जैसे कि पर्शियन व्हील और स्पिनिंग व्हील आगे है excavation of medieval towns sarais and villages are along with painting monument sculptures coins and uh, इंसक्रिप्शन आल्सो गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर एक्सकेबिशन का मतलब होता है खुदाई जैसे ज़मीन की खुदाई करने से क्या मिले भाई आ, कुछ टाउन्स वगैरह मिले नीचे से आ, मेडिवल टाउन ज़मीन की खुदाई सराएँ वगैरह मिली या गाँव वगैरह जब मिले या फिर पेंटिंग मोनूमेंट हैं स्कल्पचर्स हैं कोंस हैं या फिर खुदाई में जो भी पत्थर वगैरह मिले उन पर कुछ लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन वगैरह पिलर वगैरह ठीक है उससे भी हमें उस समय की सोसाइटी और कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अस हैव ए क्लोज लुक एट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन फॉलोइंग चैप्टर अब हम इस सेवन क्लास में जो आगे जो चैप्टर आएंगे उसको मेडिवल पीरियड के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अब डू यू नो में क्या दिया हुआ है द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट कीप ऑल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एंड मेनूस्क्रिप्ट इन आर्काइव्स अब जो भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट है उसने सभी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और जो भी मेनूस्क्रप्ट वगैरह है वो उसके लिए आर्काइव्स बना रखा है आप कह सकते हैं एक तरह के मतलब आ, जैसे ऐसा स्थान है आर्काइव्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा स्थान पर है जहाँ पे सारे पुराने रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और मैनूस्क्रिप्ट होते हैं द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली और जो हमारा नेशनल आर्काइव्स है वो हमारा कहाँ पर है नई दिल्ली में स्थित है तो ये लेसन हो गया ख़त्म अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार